So the next topic is your human respiratory system. So friends, human respiratory system क्या है? ठीक है, देखिए respiration का मतलब होता है हमारी body के अंदर oxygen का आना, further उस oxygen से glucose का टूटना और उससे energy और carbon dioxide बनना, फिर वो उस carbon dioxide का हमारी body से बाहर जाना. So कहाँ तक? Oxygen के अंदर आने तक. ऑक्सीजन के अंदर आना, उसके बाद ऑक्सीजन से ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी बनना, एनर्जी बनने के बाद फर्दर जो है एनर्जी बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बन, कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ बाय प्रोडक्ट बनना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, रेस्पिरेशन को इन्वॉल्व करता है. सो What is respiration? में आप ये लिख सकते हैं, इट इज द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड फर्दर यूजिंग इट फॉर मेटाबॉलिक पर्पसेस लाइक द जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय ग्लूकोज एंड द रिमूवल ऑफ ग्लाइको रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सब्सिक्वेंटली. सो दिस इज अबाउट योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी, दिस वॉज अबाउट योर रेस्पिरेशन. सो ह्यूमन रेस्पिरेशन का काम है, रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है. अब देखें होता क्या है ये और कैसे जो है ये रेस्पिरेशन करवा रहा है. देखिए रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है. सबसे पहला होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो कि एयर की या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, फिर ऑक्सीजन जिसमें यूटिलाइज करी जा रही है. हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है. So, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके बनाया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी. एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी. इट इज अकरिंग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके बाद आता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसके अंदर कोई ग्लूकोज की एडिशन नहीं होती, इसमें कोई ग्लूकोज कोई भी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बिना ही किसी ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ा जाता है. इसके अंदर भी CO2 बनता है, H2O बनता है और ATP बनता है. बस फर्क यह है इसके अंदर बनते हैं ATP के 38 मॉलिक्यूल्स, एरोबिक में बनते हैं 38 मॉलिक्यूल्स और एनारोबिक में बनते हैं सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स. क्लियर? इस तरीके से आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. हमारी बॉडी में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक और फर्क होता है, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं साथ में बनाती है इथेनोइक एसिड भी. इथेनोइक एसिड भी, एक एसिड भी बनता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है. So, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यीस्ट, ये सारे के सारे कई बारी अपने बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं. देन वी हैव अदर, वी हैव द एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस वॉज अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दैट इज वी यूटिलाइज ऑक्सीजन. और वो कैसे किया जाता है, वो काम है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का. किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है वो देखते हैं. चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोज होता है आपके नोज से, ट्रेकिया से, दैट इज द विंड पाइप, आपके लंग से और फिर फर्दर आपके एल्वियोलाइज से. सो फ्रेंड्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है हमारे नोज से. नोज में क्या है, नोज एक सिंपल ऑर्गन है जिसके अंदर दो नेजल पोर्स होते हैं. वो फिर फर्दर हवा को कन्वर्ट, हवा को वो प्योरीफाई करता है. हमारे नोज ये हवा को प्योरीफाई करता है. क्यों? छोटे छोटे से नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो नेजल हेयर्स क्या करते हैं, वो जो है जितनी भी डस्ट है एयर में उसको एंट्रैप कर देते हैं ताकि वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे. सो दीज आर द नेजल हेयर्स विच टेक द, दीज आर द नोस्ट्रिल्स विच टेक द एयर टू ट्रैकिया. So in this trachea, what is there is that in this trachea,
This is known as the windpipe. Trachea is known as the windpipe, which joins the nose to the lungs. Okay? और इसी के ऊपर अटैच होता है आपका वॉइस बॉक्स या फिर आपका लैरिंग्स. वी हैव योर वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स. ट्रैकिंग के ऊपर अटैच रहता है आपका वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स. ये क्या होता है? देखिए, जो भी हम आवाज निकालते हैं ना, हमारी बॉडी से जो आवाज आती है, जो हम लोग हमारे साउंड होती है, दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एन ऑर्गन नेम्ड एज लैरिंग्स एंड दैट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. ठीक है, इट इज प्रेजेंट जस्ट ओवर द ट्रैकिया. ट्रैकिया के साथ चिपका रहता है. सो जैसे ही आप हवा को बाहर, जैसे ही आप बोलना चाहते हैं, सो दिस लैरिंग्स जिसके अंदर आप प्रेजेंट है आपकी वोकल कोर्ड्स, ये हवा के प्रेशर से जो कि आपके लंग से आती है, उस प्रेशर से ये वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन से फिर साउंड बनता है. सो दिस इज द लैरिंग्स, द वोकल कोर्ड, विच कंटेन्स द वोकल कोर्ड्स ऑफ द बॉडी. इसी से आपकी वॉइस बनती है, इसीलिए इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स. दिस ट्रैकिया फर्दर गोज डाउन एंड स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज द ट्रैकीड्स, एंड ईच पार्ट सप्लाइज द टू लंग्स, द राइट एंड द लेफ्ट लंग. अब बात करते हैं लंग्स के बारे में. लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे बड़े ऑर्गन्स हैं. दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक पेयर प्रेजेंट होता है, द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है. और राइट लंग का काम क्या होता है? दिस क्यों छोटा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज लेफ्ट लंग हैज अ कार्डियक नोच. कार्डियक नोच मतलब कि हमारा हार्ट जहां पे प्रेजेंट होता है, छोटी सी कार्डियक नोच है जिसके अंदर हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा है. देन वी हैव योर राइट लंग जो कि थोड़ा सा बड़ा है. हर लंग को सप्लाई करती है एक ट्रैकीड, और फर्दर ये ट्रैकीड्स फर्दर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म स्मॉलर ट्रैक्यूल्स, देन दीज ट्रैक्यूल्स फर्दर डिवाइड टू गिव फर्दर स्मॉलर ट्रैक्यूल्स, एंड अल्टीमेटली दे एंड अप इन एन सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक थिन स्ट्रक्चर, दैट इज योर एल्वियोलाई. The alveoli. Okay, this alveoli is what? This alveoli is basically that part of the lung which exchanges the gases. जिसके अंदर gaseous exchange होता है. ये क्या होता है? It is highly vascular. That मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे blood vessels होती हैं, जो कि ये blood vessels क्या करती हैं? Different ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीव करती हैं. सो दीज कैरी द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर. सो ये एल्वियोलाई थिन होने के कारण से बहुत बड़ा सरफेस एरिया देता है ताकि ऑक्सीजन जो है यहां से एब्जॉर्ब हो सके. एब्जॉर्प्शन के लिए चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे गैस हो, सरफेस एरिया की बहुत जरूरत होती है. ये एल्वियोलाई सरफेस एरिया देता है और साथ ही साथ बहुत सारे ब्लड वेसल से भी ये सप्लाइड रहता है, जिसके कारण से जो है गैसियस एक्सचेंज यहां पे पॉसिबल है. थर्ड थिंग इसके अंदर एल्वियोलाई में ही देखिए, ये एल्वियोलाई जो होते हैं सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरसली इन वन सेल, अराउंड 1 लाख इन वन लंग्स. सो मैंने तो यहां पे बहुत कम बनाए हैं, अदरवाइज यहां पर 1 से 1.5 लाख एल्वियोलाई एक लंग में प्रेजेंट होते हैं. और जब प्रेजेंट होते हैं तो आप सोचिए वो कितना होगा. कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी के सारे एल्वियोलाई को स्ट्रेट कर दिया जाए, ऐसे बिछा दिया जाए, तो वो पूरा पूरा टेनिस कोर्ट भर सकते हैं, इतने ज्यादा होते हैं एल्वियोलाई. इसी के साथ साथ एक बात आप और नोट करिएगा इसमें, दैट इसके साथ साथ एल्वियोलाई जो है आपके न्यूमरस होते हैं और यहीं से आपका ब्लड उसको कैरी करता है. इसके बाद अगला जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपकी डायफ्राम, द डाया
डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज प्रेजेंट बीनीथ द लंग्स. ये क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग रेट. इट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग. कैसे? देखिए, हवा हमेशा जो है अपने हाई प्रेशर इलाके से लो प्रेशर की तरफ जाती है. व्हाट हैपेंस इज, जब आपके लंग्स में हवा भर जाती है सो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. कॉन्ट्रैक्ट करता है सो चेस्ट की कैविटी भी कम हो जाती है और हवा को ये बाहर पुश कर देगा. और जब हवा बाहर निकल जाएगी सो क्या होगा, अपने आप को रिलैक्स करेगा और इसके अंदर हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जिससे कि हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है. सो दिस डायफ्राम व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. आपके लंग्स की वॉल्यूम को मेंटेन करता है. वॉल्यूम कम होगी तो फिर क्या होगा, हवा लंग्स से बाहर आएगी. वॉल्यूम ज्यादा होगी तो हवा लंग्स के अंदर जाएगी. इसीलिए हमारी कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बनी रहती है. सो दिस वाज अबाउट योर डायफ्राम. डायफ्राम इज प्रेजेंट ओवर देयर, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन. उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये तो बात हुई लंग्स की. अब इस ऑक्सीजन को जो कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज हुई है इसको पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाए? सो इट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये एचबी, दिस एचबी कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड. ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है. इसीलिए कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमंस इज द हीमोग्लोबिन. और इसी के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खत्म होता है. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोना टेक इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम. एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो ये है कि हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे कि हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके आपके एनर्जी बन रही थी. सो जिस भी चीज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिस भी चीज के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज. सो बाय दिस वी कंप्लीट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द ब्लड. टिल देन इट इज गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.